परम सेवा भावी पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज के पौन पुनी चरणों में सादर कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। मंचासीन परम श्रद्धे परम पूजनीय ज्ञान योगी उपाध्याय परवर पंडित रत्न श्री रमेश मुनि जी महाराज के पौन पुनी चरणों में सादर कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। आदरणीय समादरणीय मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, आपके समक्ष चर्चा चल रही है वीतराग श्रमण भगवान महावीर की अमृतमय वाणी, जिसमें सूत्र कृतांग सूत्र के छोटे छोटे सूत्रों की चर्चा आपके सामने आ रही है और आप उन्हें बड़े ध्यानपूर्वक श्रवण कर रहे हैं। आगे अन्य सूत्र के माध्यम से आगमकार कहते हैं, एवं खू नाणिणो सारम जमने हिंसे किंचणम अहिंसा समयम चेव एतावंता वियाणिया। इसका अर्थ अभिप्राय है, ज्ञानी होने का सार यही है कि किसी भी प्राणी की हिंसा न करें, अहिंसा मूलक समता ही धर्म का सार है, बस इतनी बात सदैव ध्यान में रखनी चाहिए। बहुत सिंपल, बहुत सुंदर, बहुत सटीक इसका भाव और अर्थ है कि ज्ञानी होने का सार यही है किसी भी प्राणी की हिंसा ना करें। मैं थोड़ा दूसरे अर्थ में कह रहा हूँ कि ज्ञानी होने का अधिकार या ठेका केवल मात्र जैनों ने नहीं लिया है। जैन तो अपने विवेक से, समझ से, ज्ञान से अहिंसा धर्म का पालन कर ही रहे हैं, लेकिन जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि दुनिया में जो अन्य धर्म है, अब पूरी दुनिया में मुस्लिम धर्म को लीजिए, उन्हें छोड़ कर के बाकी कहीं मोटे रूप में हिंसा की कोई बात ही नहीं है। मुस्लिम आतंकवाद धर्म के नाम पर, वो भी धर्म के नाम पर जो फैलाया जा रहा है वो अज्ञानता ही तो है। ज्ञान हो जाए, समझ हो जाए तो व्यक्ति हिंसा ही ना करे, लेकिन धर्म के नाम पर हिंसा का बोलबाला किसी भी दृष्टि से उसे उचित नहीं कहा जा सकता। कोई डर भय के मारे हांजी हांजी करने लग जाए उनके सामने बात एक अलग है, लेकिन अंतर आत्मा के आधार पर ऐसी हिंसा को कभी भी अच्छा योग्य कोई भी नहीं कहेगा, ज्ञानवान व्यक्ति नहीं कहेगा। तो कहा है ज्ञानी होने का सार यही है किसी भी प्राणी की हिंसा ना करें, और प्राणी की हिंसा में मनुष्य की भी हिंसा आ गई और पशु पक्षियों की भी हिंसा आ गई कि वो हिंसा भी जो है अपने को नहीं करनी चाहिए। तो इस प्रकार हिंसा का भगवान महावीर ने पूर्ण निषेध किया है। कहा है अहिंसा मूलक समता ही धर्म का सार है। देखिए अहिंसा के साथ साथ समता मूलक, अहिंसा मूलक समता, कि जिस अहिंसा में समता का भाव है, जिस समता में अहिंसा का भाव है, वो धर्म का सार है। अब मान लो कि विचारों में समता समानता का भाव नहीं है कि हम अपने धर्म के बराबर दूसरों को मानते ही नहीं, जिसे हम असहिष्णुता कहते हैं, असहनशीलता कहते हैं, तो ऐसे लोग धर्म के नाम पर हिंसा करने को तैयार हो जाते हैं। आखिर पंक्ति में आगम कारने का बस इतनी बात सदैव ध्यान में रखो, अहिंसा की और समता की, ये दोनों बातें विश्व में शांति का मोटा सा आधार है। अभी मैं न्यूज़पेपर में देख रहा था, अफगान की कोई महिला थी, अफगानिस्तान के लोग गोरे चिट्टे सुंदर तो होते ही हैं, महिला हो पुरुष हो कोई भी क्यों ना हो, सभी लोगों में एक प्राकृतिक सौंदर्य देखने में आता है। तो इस प्रकार भाव कहने का ये है, वह एक महिला अपने छोटे से बच्चे को लेकर के, बेटी को लेकर के, मुश्किल से बेटी शायद 2-2.5 साल की होगी, एयरपोर्ट पर आती है कि शायद हवाई जहाज किसी भी देश का मिल जाए, जान बच जाएगी। अब हवाई अड्डे वालों ने मेन दरवाजे बंद कर दिए,
अब मेन दरवाजे बंद कर दिए तो बड़ी ऊंची ऊंची बाउंड्री वॉल जो है हवाई अड्डों के पास होती है, आठ आठ नौ नौ फुट ऊंची होती है, किसी तरह जुगाड़ करके अपनी बच्ची को परली तरफ फेंकने को हो रही थी, तो किसी दूसरे देश का मिलिट्री का जवान वहाँ खड़ा था, उसने बच्ची को गोद में ले लिया और वो कह रही है मेरा जो होगा सो हो जाएगा, मैं मरूंगी मर जाऊंगी इन गोलियों से, लेकिन मेरा बच्चा बच जाए, मेरी बच्ची बच जाए, तुम ले जाओ किसी भी धर्म के, किसी भी जाति के हो, किसी भी देश के हो, देखिए बच्चा बच जाए। आप तड़फ देखिए कि प्राण सबको प्यारे हैं, जान सबको प्यारी है, और वो किसी भी जाति किसी भी धर्म किसी भी देश का नागरिक क्यों ना हो, सबको जान प्यारी है। तो छोटी सी सामान्य सी बात को हिंसा फैलाने वाले, ये आतंक मचाने वाले क्यों नहीं समझते? कल्पना करो, या हम कोई बदले की भावना की बात नहीं कर रहे, उन्हीं आतंकवादियों के परिवार के जो अन्य सदस्य बेचारे निर अपराधी हैं, उनको कोई मारे तो क्या उन आतंकवादियों को तकलीफ नहीं होगी? तकलीफ तो होगी, लेकिन ज्ञान नहीं होने की वजह से वो बदले की भावना में आ जाएंगे। उन्होंने हमारे दो आदमी मारे, हम उनके चार मारेंगे, वो क्या हमारे चार मारे हम इनके आठ मारेंगे। तो ऐसे हिंसा का कोई अंत है क्या? हिंसा का कोई अंत नहीं है। बदले की भावना, प्रतिशोध की भावना, ये अज्ञानता है, मूर्खता है। तो प्रारंभ में ही आगमकार ने कह दिया ज्ञानी होने का सार यही है, किसी भी प्राणी की हिंसा ना करो, अहिंसा मूलक समता ही धर्म का सार है। बस इतनी बात सदैव ध्यान में रखनी चाहिए। तो इन पंक्तियों में बड़ा सार छुपा हुआ है, और ये ध्यान रखना, बार 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 हिंसा करने वाले व्यक्ति पर कोई विश्वास नहीं करता, कोई भरोसा नहीं करता। इतनी बड़ी मात्रा में अफगानिस्तान से लोग भाग भाग के क्यों जा रहे हैं? वो आतंकवादी तालिबानी कितना ही कह दें आप देश मत छोड़ो, हम आपके अधिकारों की रक्षा करेंगे, हमसे डरने की जरूरत नहीं है, सहनशीलता तो इतनी सी भी नहीं है उन लोगों में, मिनट में तो गोली की बात करते हैं। तो ऐसे हिंसक क्रूर लोगों पर विश्वास कौन करेगा, भरोसा कौन करेगा? भरोसा तो अहिंसा से आता है, भरोसा तो दया करुणा से आता है। आदमी निर्भय हो जाता है, डरता नहीं है कि ये भी अपने हैं हम भी इनके हैं, हमें इनसे डर नहीं है, इनको हमारे से डर नहीं है। तो अहिंसा दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, सबसे अमृतमय तत्व है। कोई मूढ़ अज्ञानी मूर्ख चाहे देर से समझे, लेकिन अहिंसा ही सार की बात है। आगे अन्य सूत्र में आगमकार कहते हैं संबुज्य है किम ने बुज्य है, संबोही खलु पिच दुल्लहा, नो हूण मंती रायो नो सुलभम पुनरवि जीवियम। अर्थात यहाँ कहा है अभी इसी जीवन में समझो, अभी इसी जीवन में समझो, क्यों नहीं समझ रहे हो? मरने के बाद, मरने के बाद परलोक में संबोधि का मिलना कठिन है। जैसे बीती हुई रात फिर लौटकर नहीं आती, उसी प्रकार मनुष्य का गुजरा हुआ जीवन फिर हाथ नहीं आता। शब्द बड़ा अच्छा है संबोधि, संबोध यानी ज्ञान की प्राप्ति, समझ, प्रतिबोध। आप देखिए, आप यहाँ आते हैं, हम यहाँ प्रवचन देते हैं, किसके लिए? आपको संबोध करने के लिए, संबोधि देने के लिए, आपको ज्ञान देने के लिए, आपकी समझ को और अधिक विकसित करने के लिए हम बोलते हैं। और आप आते इसलिए कि विज्ञान मिले, संबोधि मिले, कुछ प्रतिबोध मिले, मुझे कुछ समझ बढ़े, ऐसा सोच के आप आते हैं। तो जीवन में संबोधि का बड़ा महत्व है, लेकिन ये संबोधि मोटे तौर पर कह लो, ये संबोधि केवल मनुष्य गति में ही संभव है, मनुष्य गति में ही संभव है। और ये संबोधि केवल जैन को, ब्राह्मण को, राजपूत को, भारतीय को, अमेरिकन को, पाकिस्तानी को, अफगानी को
मिलेगी ऐसा भी नहीं है, जो लेना चाहे उसको मिल जाएगी, जो सुनना चाहे समझना चाहे उसको ज्ञान मिल जाएगा। तो यह बात चल रही संबोधि की। तो संबोधि की प्राप्ति का बड़ा महत्व है। अब ये कोई गारंटी है कि भी आपको कुछ ज्ञान भगवान की वाणी का हो गया, हमने सुनाया और साधु सतियों ने सुनाया या आपने पढ़ा, तो ये कोई ठेका नहीं कि भी पिताजी को संबोधि हो तो बेटे और पोते को अपने आप हो जाएगी। नहीं, बेटे को अलग मेहनत करनी होगी, पोते को अपनी मेहनत करनी होगी, बेटी को अपनी मेहनत करनी, पत्नी को अपनी मेहनत करनी होगी। तो संबोधि यानी ज्ञान की प्राप्ति जो है ये हर व्यक्ति की अपनी अलग अलग है, और उस अलग अलग संबोधि को हर व्यक्ति को प्राप्त करना चाहिए। तो यहाँ मैं फिर दोहरा दूँ, आगमकार कह रहा है अभी इसी जीवन में समझो, समझो यानी ज्ञान प्राप्त करो। क्यों नहीं समझ रहे हो? मरने के बाद परलोक में संबोधि का मिलना कठिन है। आप बतलाओ, देवलोक में कोई प्रवचन देता है, देवलोक के देवी देवता को प्रवचन सुलभ है, तीर्थंकर के समवसरण में आते हैं, उत्सव मनाते हैं, लेकिन वो त्याग प्रत्याख्यान करने में समर्थ नहीं होते हैं। तो देवी देवता को ज्ञान नहीं, नारकियों को तो मतलब ही नहीं कि नरक में कोई उपदेश देने वाला जाएगा, और उनको उपदेश लग भी जाएगा, कदाचित कोई चला भी गया तो क्या नारकी को उपदेश लगेगा? नहीं लगेगा, और देने कोई जा भी नहीं सकता है। क्या पशु पक्षियों को उपदेश प्रवचन दिए जाते हैं? नहीं दिए जाते। कुछ प्राणी, बहुत एक दिन उपाध्याय श्री जी ऐसे कोई प्रसंग सुना रहे थे, कुछ ही प्राणी जिनको कोई पूर्व जन्म के कर्मों के पर थोड़ा बहुत संबोध होता है, लेकिन अधिक फिर भी नहीं होता। तो मोटे तौर पर संबोधि की प्राप्ति जो संभव है वो मनुष्य को ही संभव है। इसीलिए मनुष्य भव की महिमा का बारम्बार गान गाया जाता है, उसकी महिमा को बतलाया जाता है। तो संबोधि की प्राप्ति पर यहाँ पर जोर दिया गया है। आचार्य श्री महाप्रग जी ने एक ग्रंथ की रचना रची, संस्कृत में रचना रची, पुस्तक का नाम है संबोधि। संबोधि तो संबोधि में सारा संबोध के विषय में ही ज्ञान है कि किस प्रकार मेघ कुमार मुनि का आधार बना करके संपूर्ण ग्रंथ की रचना रच डाली। मेघ कुमार दीक्षा ले लेते हैं, थोड़े विचलित होते हैं, भगवान को पता चलता है, भगवान को संबोध करते हैं, संबोधि देते हैं और टिक जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं। तो जीवन में संबोधि यानी ज्ञान की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ प्रयत्न आपको, हमारे को, सभी को करना चाहिए। और मैं ये नहीं कह रहा कि हम संबोधि देने वाले ठेकेदार हो गए, बहुत सारे हमारे में भी ऐसे हो सकते हैं जिनको पूरी तरह भी संबोध नहीं है, ज्ञान नहीं है। तो संबोधि की प्राप्ति जीवन में बड़ी महत्वपूर्ण है, और इसको प्राप्त करने का पुरुषार्थ प्रयत्न हम सबको करना चाहिए। अंतिम दो पंक्तियों में कहा है, जैसे बीती हुई रात फिर लौटकर नहीं आती, उसी प्रकार मनुष्य का गुजरा हुआ जीवन फिर हाथ नहीं आता। मान लो आपको किसी को 70 साल, 75 साल, 80 साल की उम्र मिली, 40 साल जरा सा भी धर्म तत्व की प्राप्ति नहीं हुई, वो तो बीत गया ना, उसमें आपने कुछ किया ही नहीं, तो क्या वापसी लौट के आ जाएगा, रिवर्स हो जाएगा? नहीं होगा, वापसी लौट के नहीं आएगा। तो इसलिए जो समय अपने हाथ में है उस समय का हम उपयोग करें। तो जीवन में समय की कीमत भी बतलाई, संबोधि की कीमत भी बतलाई। आगे कहा है, सेणो जहां वट्टयम हरे एवं आउखयम में तुट्टई। इसका अर्थ अभिप्राय है, एक ही झपाटे में बाज जैसे बटेर को मार डालता है, वैसे ही आयु क्षीण होने पर मृत्यु भी जीवन को हर लेती है। मृत्यु भी जीवन को हर लेती है। बटेर के बारे में कहा है, बाज के बारे में कहा है। बाज आपने खूब देखा होगा, चित्रों में देखा होगा, जीवित देखा होगा। बाज आकाश में ऊंचाइयों पर उड़ता है, तेज निगाहें होती हैं, और ऊपर से देख लेता है कौन सा पक्षी कहाँ विचरण कर रहा है,
वो बड़ी तेजी से नीचे आता है, उस पक्षी के ऊपर जाके पंजे से उसको पकड़ता है, उसकी पकड़ इतनी कठोर मजबूत होती है, उस पक्षी को मार डालता है। तो बाज जैसे झपट्टा मारता है पक्षी को, पल भर में पता भी नहीं रहता कोई मेरे पीछे आ रहा है, कोई मुझे पकड़ने आ रहा है, और अचानक झपट्टा मारता है, ख़त्म। किसी व्यक्ति को मौत आने से पहले कोई इन्फॉर्मेशन आई हो, कोई सूचना आई हो कि मैं आ रही हूँ, तुम तैयार रहना, आज मैं तुम्हें लेके जाऊँगी, आदमी को पता नहीं चलता, मौत आ जाती है। वैसे ही आयुष कर्म क्षीण होने पर, मेन सैद्धांतिक बात है, आयुष कर्म के क्षीण होने पर अपने आप को क्या लगता है, घर वालों क्या लगता है, अच्छे बिच्छे हैं, ठीक ठाक हैं, चल रहे हैं, लेकिन अचानक व्यक्ति चक्कर आता है, धड़ाम से गिरता है, ख़त्म हो जाता है। बाथरूम में गए तो बाथरूम में बेचारा ख़त्म हो गया, लेटा था लेटा रह गया, अभी घर से निकले अच्छे बिच्छे एक्सीडेंट हुआ, निमित्त एक्सीडेंट का मिला। निश्चय में आयुष्कर्म पूरा होने का वक्त आ गया, निमित्त वो मिलेगा। तो इस प्रकार आयुष्कर्म क्षीण होने पर मृत्यु भी जीवन का हरण कर लेती है। तो मौत कब आ जाए इस बात का ध्यान रख के प्रमाद छोड़ करके जीवन में धर्म आराधना करने का पुरुषार्थ प्रयत्न हर व्यक्ति को अपने जीवन में करना चाहिए। अगले सूत्र में कहा है, नो सुल्हा सुगई ये पेचो, अर्थात ये कहा है मरने के बाद सदगति सुलभ नहीं है, मरने के बाद सदगति सुलभ नहीं है, अतः जो कुछ सत्कर्म करना है वह यहीं कर ले, जो कुछ करना है सत्कर्म अभी कर ले। अब कोई ये कह जाए अरे मनुष्य भाव में कुछ नहीं करते, आगे गति में दूसरी गति में देख लेंगे, वहाँ आपको मौका ही नहीं मिलना है। तो यहाँ जो एक जागृति का सूत्र है, चेतावनी का सूत्र है कि मरने के बाद सदगति सुलभ नहीं, सदगति में जाना है तो अच्छे कर्म अब कर, मनुष्य भाव तुझे मिला है, अच्छा कर्म कर, जीव दया के काम कर, सामायिक संवर कर, तपस्या कर, कर्म निर्जरा का पुरुषार्थ कर, दान कर, सेवा कर, भक्ति कर, जो कर सकता कर, और अभी तो तू कर नहीं रहा और सोच रहा अगला जन्म जो होगा वह मैं सदगति की प्राप्ति कर लूँगा। मान लो यहाँ तो अच्छा कोई कर्म करा नहीं, मर के त्रेंच में चला गया तो क्या कर लेगा, नरक में चला गया तो क्या कर लेगा, देवलोक में गया तो वहाँ क्या कर लेगा, वहाँ कुछ संभव नहीं है। यदि देवलोक की आयु बांध रखे तो ठीक है, देवलोक में जाओ, भौतिक सुख की प्राप्ति कर लो, लेकिन आदमी को जो मेन कार्य करना है वो मनुष्य भाव में रहते रहते करना है। इस यहाँ के कर्म के आधार पर अन्य गतियों में आपका प्रस्थान होगा और वहाँ आप जाएंगे। तो इसलिए कहा मरने के बाद सदगति सुलभ नहीं है, अतः जो कुछ सत्कर्म करना है वह यहीं पर कर लो, ये वक्त है, समय है, संभल जाओ, अच्छे कर्म करो। आगे अन्य सूत्र में कहा सैमेव कडेही गाही नोतस मुच्चेज पुठयम, अर्थात ये कहा है आत्मा अपने स्वयं के कर्मों से ही बंधन में पड़ता है, कृत कर्मों को भोगे बिना मुक्ति नहीं मिलेगी, कृत कर्मों को भोगे बिना मुक्ति नहीं मिलेगी, आत्मा अपने स्वयं के कर्मों से ही बंधन में पड़ता है। हमारे आपके जिनके भी बंधन हैं, शुभाशुभ जो भी हैं, वो किसी दूसरे की वजह से नहीं है, हमारे अपने स्वयं के कर्मों की वजह से हम विभिन्न प्रकार के बंधनों में हैं, विभिन्न प्रकार के सुख दुख की अनुभूति करते हैं, अनेक प्रकार के दुख दर्दों का सामना करते हैं, ये हमारे अपने स्वयं के कर्म है। और अगला सारपूर्ण बात कही गई है कृत कर्मों को भोगे बिना मुक्ति नहीं है, जो हमने आपने कर्म कर रखे हैं जब तक उनको पूरी तरह समाप्त नहीं करेंगे, भोग नहीं लेंगे, उनकी वेदनाओं को अनुभव नहीं कर लेंगे, तो कर्मों से मुक्ति संभव नहीं है। और ये कर्म कहीं ट्रांसफ़र भी नहीं होते, पैसा तो ट्रांसफ़र हो जाता है कि भाई पिताजी छोड़ के गए, बेटे को मिल गया, फला रिश्तेदार को मिल गया, फला ने दबा लिया, वो तो हो जाएगा, लेकिन कर्म जिस जीव ने करे हैं ये कर्म स्वयं को भोगने होते हैं। सैकड़ों दृष्टांत हैं, हमारे यहाँ कहते हैं कडाण कम्माण ने मोक थियो,
किए हुए कर्मों को भोगे बिना मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है।